Assalamu alaikum students. Today I am going to solve the calculation of iodometric titration. 10 November 33 का पेपर है हमारे पास. चलो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं और फिर उसके बाद कैलकुलेशन सॉल्व करना शुरू करते हैं. लेकिन यार देखो, आप लोग के पास जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे, प्लीज़ ये कहानियाँ नहीं है, इसको रीड करा करो ध्यान से. ओके, तो मुझसे बोल रहे हैं कि यार आपके पास डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच सी एल एसिड निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच सी एल निकालना है विद सप्लाई एच पॉजिटिव आयन इन द फॉलोइंग रिएक्शन. तो आयोनिक इक्वेशन बना के दिए, मुझसे कह रहे हैं कि भाई आयोडेट, आयोडाइड और एच पॉजिटिव आयन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेटा आपके पास आयोडीन फॉर्म होता है और वाटर बनता है. अच्छा, अब मुझसे कह रहे हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एन एक्सेस ऑफ आयोडेट. देखो, एक्सेस ऑफ आयोडाइड आयन, एक्सेस ऑफ आयोडाइड आयन को, इन दोनों का जब रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ, इन दोनों के प्रेजेंस में, आयोडाइड और आयोडाइड की प्रेजेंस में आपके पास जो अमाउंट ऑफ आयोडीन लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा टू द अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन प्रेजेंट. मुझसे कह रहे हैं, इसको समझा दूँ, आयोडाइड और आयोडाइड जब रिएक्ट करेंगे तो बेटा आपके पास आयोडीन फॉर्म लिबरेट होगी. ठीक है, आयोडीन जो लिबरेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा जो अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा उसके. ठीक है भाई, मसला नहीं, आगे बढ़ते हैं. डिटरमाइन दी, अच्छा, एंड कैन डिटरमाइन बाय टाइट्रेशन विद सोडियम थायोसल्फेट, और उसको हम लोग निकाल सकते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ, कॉन्सेंट्रेशन सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करवा के. आगे बढ़ते हैं बेटा. मुझे FA1 का सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, HCl. मुझे FA2 की कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर डीएम क्यूब के अंदर गिवन है, उसको ज़रा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आगे बढ़ सकें. ओके, ये मेरे पास पॉइंट था, ग्राम पर डीएम क्यूब के अंदर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. ठीक है, हमने वो भी देख लिया. बच्चों, आप लोगों को टाइट्रेशन की कैलकुलेशन सॉल्व करने से पहले यू शुड नो कि मैंने ब्यूरेट के अंदर कौन सा सॉल्यूशन ऐड किया है, FA2. कॉनिकल फ्लास्क के अंदर कौन सा सॉल्यूशन ऐड किया है, यू कैन से FA1 कितना, 25 cm³. फिर उसके बाद मुझसे बोल रहे हैं कि हम लोग ने 25 cm³ वाला मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हुए हम लोग ने 10 cm³ ऑफ पोटेशियम आयोडाइड ट्रांसफ़र किया कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और 10 cm³ ऑफ पोटेशियम आयोडाइड हमने ट्रांसफ़र किया, और ये दोनों रिएजेंट जो है वो एक्सेस के अंदर हैं. फिर मुझसे बोले प्लेस द फ्लास्क ऑन अ वाइट टाइल. ज़रा आप लोग को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ समझाता हूँ बच्चों, मैं इक्वेट करके दिखाता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ में आ सकें, मतलब बात तो वही है ना जो दिल में उतर सके. ओके, ये आपके पास ब्यूरेट है और इस ब्यूरेट के अंदर आपने ऐड किया है बच्चों FA2 आप सबको पता है कि सोडियम थायोसल्फेट है. ओके, फिर उसके बाद आपने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने ऐड किया है बच्चों आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट भी कह सकते हो आप, आयोडेट बेसिकली हम लोग तो आइंस रिएक्ट करते हैं ना. ओके, आयोडाइड आपने ऐड किया है, आयोडाइड आपने ऐड किया है, ठीक है, आपने आयोडाइड ऐड किया है, और एच पॉजिटिव आयन, HCl, ये तीन चीज़ें आपने ट्रांसफ़र किए हैं. मैं इनके वॉल्यूम्स भी मेंशन कर दूं ताकि जो भी कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए. बच्चों, मैंने HCl गौर से देखो, FA1 HCl 25 cm³ ट्रांसफ़र किया है और बाकी दोनों चीज़ें 10 cm³ ट्रांसफ़र किए हैं. यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 25 cm³ HCl ट्रांसफ़र किया है, आयोडाइड भी 10 और आयोडेट भी 10. चलो अब और आगे बढ़ते हैं बेटे. एक और बात, ठीक है, मुझे ये चीज़ें पता चल गया. फिर मुझसे बोल रहे हैं कि आपने प्लेस द फ्लास्क ऑन अ वाइट टाइल, कॉनिकल फ्लास्क को वाइट टाइल के ऊपर रखो, फिर डाइड्रेट द लिबरेटेड आयोडीन विद FA2. बेटा FA2 ये रहा आपके पास, उसको बोल रहे हैं कि आयोडीन को डाइड्रेट करो FA2 से, थायोसल्फेट से. ड्यूरिंग द डाइट्रेशन द कलर ऑफ द आयोडीन इन द सोल्यूशन विल फेड फ्रॉम रेड ब्राउन टू ऑरेंज और ऑरेंज टू येलो.
अच्छा, फिर मुझे बता रहे हैं कि भाई आपने, आपके पास इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जब आप टाइट्रेशन शुरू कर दोगे, मैंने अपनी इनिशियल वॉल्यूम नोट कर ली होगी, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम नोट करने के बाद, ब्यूरेट का इनिशियल वॉल्यूम नोट करने के बाद, यहाँ रफ के अंदर, यहाँ रफ के कॉलम में इनिशियल वॉल्यूम नोट करने के बाद मैंने टाइट्रेशन स्टार्ट कर दी। मैंने टैप ओपन किया, स्टार्ट कर दी। टाइट्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास जो ब्राउन, रेड ब्राउन कलर का जो आयोडीन है वो फेड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फेड होना शुरू हो जाएगा, कौन से कलर में? रेड ब्राउन टू ऑरेंज होगा, फिर येलो हो जाएगा। जैसे ही येलो होगा मेरे बेटा, अच्छा फिर मुझसे बोले, एंड पॉइंट अकर व्हेन द सॉल्यूशन जस्ट गोज कलरलेस विद द एडिशनल ऑफ अ सिंगल ड्रॉप ऑफ FA2। मुझसे इसमें स्टार्च इंडिकेटर नहीं ऐड करवा रहे, डायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई आपके पास ब्राउन होगा, ब्राउन से ऑरेंज होगा, रेड ब्राउन से ऑरेंज होगा और फिर येलो हो जाएगा। येलो के बाद आपका एंड पॉइंट कहाँ पे आएगा, मतलब फाइनल वॉल्यूम तुम लोग कहाँ पे नोट करोगे? जब पेल येलो जो है वो बिल्कुल कलरलेस हो जाए, लास्ट ड्रॉप गिरे और सॉल्यूशन पेल येलो से या फिर येलो से कलरलेस हो जाए, आपकी रफ टाइट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो नेक्स्ट मुझसे कह रहे हैं कि अपने वॉल्यूम्स को अपने नोट करना है, ठीक है। यू शुड रिकॉर्ड द यू यू शुड परफॉर्म अ रफ टाइट्रेशन इन द स्पेस बिलो, रिकॉर्ड योर ब्यूरेट रीडिंग्स फॉर दिस रफ टाइट्रेशन। पर जो देखो, मैंने ये हेडिंग्स बना ली हैं, ये रफ टाइट्रेशन की हेडिंग है। प्लीज़ यहाँ पे लिखा है रफ टाइट्रेशन, ये बिल्कुल अलग है, इसको अलग ही रहने देना। ये कंप्लीट नोट करोगे आप लोग तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको कंप्लीट नोट करते हो तो आपका 1 मार्क तो यहीं पे कंफर्म हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने 7 टाइम्स हेडिंग्स डाली हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टाइम हेडिंग्स डाली हुई हैं विद यूनिट्स, तो मेरे 1 मार्क तो यहीं पे, 1 से 2 मार्क्स तो यहीं पे कंफर्म हो गए यूनिट और हेडिंग के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब मैं टाइट्रेशन परफॉर्म करूँगा, अभी मैं डमी रीडिंग्स बना रहा हूँ। जिसको भी है कि भाई हम लोग रीडिंग्स कैसे नोट करते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे टाइट्रेशन परफॉर्म कैसे करते हैं और इनिशियल वॉल्यूम कब नोट करते हैं, फाइनल वॉल्यूम कब नोट करते हैं, वो सब कुछ आप लोग वहाँ से देख सकते हो यूट्यूब चैनल से मेरे। तो अभी हम लोग ज़रा कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करें, तो मैं मुझे ज़रा रीडिंग्स बनाने दो। 24.20 आ गया आपके पास जब माइनस किया आपने, ओके। फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 24.20, डन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझसे कह रहे हैं कि अब हम लोग से कैरी आउट एज मैंने एक्यूरेट टाइट्रेशन, हम लोग ने 3 रीडिंग और नोट करनी है, 1, 2, 3। अब एक्यूरेट टाइट्रेशन नोट करनी है बच्चों। आप लोगों का जो ये फाइनल था, ये आपके पास इनिशियल में आ जाएगा 24.20, ओके। मैं जब इसको परफॉर्म करूँगा, मेरे पास जैसे ही पेल येलो टू कलरलेस हो जाएगा, मैं यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम के अंदर अपना एंड पॉइंट जैसे आएगा फाइनल वॉल्यूम लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आता है 48.10, 48.10, तो मैं माइनस करता हूँ इसको 48.1। अरे भाई ऑन हो जाओ, 48 माइनस ऑफ 24.2, 23.90, 23.90। बच्चों, ब्यूरेट की रीडिंग शुड बी ऑन 2 डेसिमल प्लेसेस, प्लीज़। ब्यूरेट की रीडिंग 2 डेसिमल प्लेसेस तक होनी चाहिए, नहीं होगी मार्क्स काट लेगा, ओके। बच्चों देखो, मैं ये रीडिंग्स बना रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग तो परफॉर्म करोगे तो उस हिसाब से रीडिंग्स आएंगी आपके पास। ये रीडिंग्स बनाते कैसे हैं, प्लीज़ आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा। 23.90 है तो 24.10 और 24.10 और 23.80, मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, ओके। बच्चों देखो, आपकी ब्यूरेट जो है 48 तक खाली हो चुकी है। फाइनल वॉल्यूम का मतलब होता है कि भाई मेरी ब्यूरेट इतनी खाली हो चुकी है, ओके। मुझे दोबारा से इनिशियल लेना है, ब्यूरेट भरनी है, दैट्स मीन कि इनिशियल मेरे पास रैंडमली कुछ भी आ सकता है, 1.20,
तो हमारे पास इन दोनों को प्लस कर देंगे हम लोग, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25.30। ओके 25.30 को हम लोग नीचे लेके आते हैं 25.30, और फिर से हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, इसको और इसको, तो हमारे पास आएगा, मैं करके 25 + 3 + 23.8 49.1, तो वी कैन टेक इट 49.10। ओके अब बात करेंगे, हमने बेस्ट रेटिंग सिलेक्ट करनी है। बेस्ट रेटिंग सिलेक्ट करने के लिए बेटा ज़रूरी है कि हम लोग देखेंगे कि हमारे पास लीस्ट वॉल्यूम कौन सा है इन तीनों में, इन तीनों में सबसे कम वॉल्यूम कौन सा है। तो इन तीनों में सबसे कम वॉल्यूम मेरे पास जो है, सबसे कम वॉल्यूम का मतलब ये है, गौर से सुनिएगा कि बेटा मेरे पास, अगर मैं पूछूं आपसे बेटा इन तीनों वॉल्यूम में सबसे कम वाला वॉल्यूम कौन सा है, तो यू विल से कि सर 23.80, मतलब इसमें सबसे कम ड्रॉप्स गिरे थे तो कलर चेंज हो गया था, फिर इसमें थोड़े ज़्यादा ड्रॉप गिर गए तो कलर चेंज हुआ, फिर इसमें थोड़े और ज़्यादा ड्रॉप्स गिर गए। बताने का मकसद ये है कि सबसे लीस्ट वैल्यू है तो इसको टिक लगा दो, फिर उसके बाद हम लोग कोई दूसरी जो भी वैल्यू लें, जिस तरह मैं ये वैल्यू लेता हूँ, तो अब आप लोग इसको देखोगे कि इन दो रीडिंग्स के दरमियान 0.10 का डिफरेंस है। बच्चों आप लोग को यही डिफरेंस अलाव है, समटाइम 0.20 का भी डिफरेंस अलाव करता है, लेकिन मोस्टली वो 0.10 का ही डिफरेंस अलाउ कर रहा, तो हम लोग लीस्ट वाले डिफरेंसेस को लेके चलेंगे। ठीक है भाई आगे बढ़ जाते हैं, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो ये दो बेस्ट वैल्यूज़ आई हैं, कहाँ गई, ओके ये दो बेस्ट वैल्यूज़ आई हैं मेरा बच्चा 23.8 23.9, इनको प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दूंगा मैं, 23.8 प्लस ऑफ 23.90 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू आएगी, टाइटर वैल्यू आएगी 23.85। बच्चों आप लोग भी देखो ज़रा, मैंने जो ब्यूरेट से, ये सारी ब्यूरेट के वॉल्यूम्स हैं, ब्यूरेट के वॉल्यूम जो मैंने सारे नोट किए हैं और रीडिंग्स नोट किए हैं और जिन पे टिक लगाया है, उनको एवरेज ले रहा हूँ बेटा बी पार्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास बी पार्ट का वॉल्यूम कितना आ रहा है 23.85, मतलब ब्यूरेट से जो वॉल्यूम रिलीज हुआ 23.85 cm³। तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, 10 cm³ डन। चलिए भाई अब कैलकुलेशन पर आते हैं, मेन अब शुरू हो गया हमारा, मुझसे बोल रहे कैलकुलेट दी कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर dm³। बेटा मोल पर dm³ में कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है किसकी, सोडियम थायोसल्फेट की। अगर आपको याद हो तो सोडियम थायोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है कितनी, 15.0 ग्राम पर dm³। चलो सबके AR गिवन है, सबके AR गिवन है, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। तो AR है तो इससे पहले मैं MR निकाल लूँगा सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट का MR निकाल लूँगा। ओके तो हमारे पास गिवन है, कहाँ गया, ओके तो हम लोग निकाल लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों कॉन्सेंट्रेशन के लिए देखो हम लोग फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू मास ओवर MR। क्या ये वाला फार्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमें बोल रहा है कि मोल पर dm³ में कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अच्छा तो गिवन किस में, बच्चों आप लोगों को ग्राम पर dm³ में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। तो बच्चों अगर मैं बात आपको समझाने के लिए कहूँ, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम थायोसल्फेट, ओके सर मुझे ग्राम पता है सोडियम थायोसल्फेट का, क्या मालूम करना है मोल, दोनों के वॉल्यूम सेम है, चेक करो दोनों के वॉल्यूम सेम है, ओके तो पता चला कि सर ग्राम पर dm³ गिवन है, हमें मोल पर dm³ मालूम करना है मास ओवर MR करके। गौर से देखो ये रहा ग्राम, यहाँ पे पुट कर दूंगा MR, यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मोल्स निकल के आ जाएंगे, ये रहे।
चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले मुझे MR पता होना चाहिए सोडियम थायोसल्फेट का। मैं निकाल लेता हूँ सोडियम थायोसल्फेट डॉट 5H2O Na2। टू Na प्लस ऑफ 2S। टू एस प्लस ऑफ 3 ऑक्सीजन प्लस ऑफ 5 × 18 कर देता हूँ। H2O का तो सबको पता है 18, तो 5 × H2O कर दिया। तो सोडियम कितना मेरे बच्चा 23, और सल्फर कितना मेरे बच्चा 32.1, फिर ऑक्सीजन कितना 16। तो इन सबको ज़रा मैं खुद से कैलकुलेट कर लेता हूँ। अपने पास ये आ गया आपके पास 46 प्लस ऑफ 2 3 6, 2 2 4, 64.2 प्लस ऑफ 16 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 48। 48 प्लस ऑफ 5 को 18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 90 90। इन सब वैल्यूज़ को मैं प्लस कर देता हूँ। 90 प्लस 48 प्लस 64.2 प्लस ऑफ 46, 248.2। तो मेरे पास MR आ गया है बच्चों 248.2। ठीक है, ये है थायो सल्फेट का MR, थायो सल्फेट के पूरे कंपाउंड का MR आ गया। ठीक है, ये रहा MR, लिख दूँ। चलिए भाई, अब हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। मैं पूरी की पूरी एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन, ये जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है पूरी की पूरी एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन उठा के लिखता हूँ बच्चों। देखो, मुझे मास मास लिखना था, लेकिन मैं ये पूरी वैल्यू उठा के लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 15.0 ग्राम पर DM³ पूरा कॉपी कर लिया, डिवाइडेड बाय MR कितना मेरा बच्चा 248.2। ठीक है, तो अब इसको फर्दर मैं इसको ज़रा डिवाइड कर लूँ, कितना आ रहा है 15 डिवाइडेड बाय 248.2। मेरे पास वैल्यू आ रही है 6.10, यहाँ पे 6.04, यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ 6.04 × 10⁻¹ कितनी है 1 2 -2। बच्चों ये निकल के आ गए थे मोल। गौर से सुनिएगा, आपने मास ओवर MR करके मोल निकाल लिए। फिर मैं आपसे पूछूंगा बेटा, ये जो तुम्हारे पास मास गिवन है इसका वॉल्यूम कितना है, तो यू विल से सर 1 DM³। तो बेटा, जब 1 DM³ का मास लेके चले थे तो मोल भी कितने वॉल्यूम के आने चाहिए, यू विल से सर मोल भी 1 DM³ के आने चाहिए। तो ज़रा देखो ध्यान से, हमें यही तो चाहिए था, निकल आया 6.04 × 10⁻²। फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुझे निकल के आ चुके हैं मेरे पास सोडियम थायोसल्फेट के मोल्स निकल के आ गए हैं। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट में भी रिएक्ट किसने किया था, सॉरी, मेरे पास निकल के आ गई है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, अब हम लोग इसे बोल रहे हैं कि भाई कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट आर कंटेन इन द वॉल्यूम ऑफ Fe2 रिकॉर्डेड इन पार्ट बी। अरे सर, ये तो बात कर रहे हैं पार्ट बी, पार्ट बी ये रहा मेरा बच्चा, पार्ट बी का वॉल्यूम ये रहा। मैं आपसे पूछता हूँ, पार्ट बी आपके पास पार्ट बी कॉनिकल फ्लास्क में था या ब्यूरेट में था? आप कहोगे सर ब्यूरेट से जो भी वॉल्यूम रिलीज़ होता है, ब्यूरेट से जो भी वॉल्यूम रिलीज़ होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं पार्ट बी के अंदर।
तो आपके पास पार्ट बी का मतलब है कि ब्यूरेट, मतलब मुझसे ब्यूरेट के अंदर जो सॉल्यूशन था उसके नंबर ऑफ मोल्स निकलवा रहे हैं। ठीक है भाई, ये रहा एफ2 कितना 23.85। आ जाओ, कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल चुकी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। बच्चों मुझसे बोल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे सी इंटू वी डिवाइड बाई 1000 वाला। तो मुझे वॉल्यूम भी पता है, मुझे कॉन्सेंट्रेशन भी पता है। बच्चों हम लोग वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन को रखते हैं माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमें गिवन है कितना बी पार्ट के अंदर। बी पार्ट के अंदर हमें बी पार्ट ये रहा मेरा बच्चा 23.85। 23.85 डिवाइड बाय 1000। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वन पॉइंट डबल फोर मेरे पास वैल्यू आ रही है बच्चों, 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस, ओहो सर तो भूल गए डिवाइड बाय 1000 करना। ओके मैंने मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड करना भूल गया था, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो -3। ओके फर्दर आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो मेरे पास थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट के मोल्स आ चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये कितने वॉल्यूम के मोल्स हैं, तो आप कहोगे सर ये जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए हैं ये वॉल्यूम है 23.85। ओके नेक्स्ट मुझसे बोल रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडीन रिएक्ट विद सोडियम थायोसल्फेट इन पार्ट टू। बेटा पार्ट टू ये रहा, पार्ट टू में तुम्हारे पास थायोसल्फेट के जितने मोल्स थे, जो मोल्स हैं वो आयोडीन के साथ कितने मोल्स के साथ रिएक्ट हुए हैं वो निकाल लें। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडीन, कितने मोल्स ऑफ आयोडीन हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडीन कैलकुलेट करने हैं आयोडीन के मोल्स जो थायोसल्फेट के साथ पार्ट टू के अंदर रिएक्ट हुए हैं। ठीक है भाई देख लेते हैं रेशियो कितना है मेरे बच्चों, उसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। मुझे थायोसल्फेट के मोल्स थायोसल्फेट और आयोडीन के, देखो थायोसल्फेट के मोल्स मुझे पता हैं, थायोसल्फेट के मोल्स पता हैं, आयोडीन के मालूम करने, सी आयोडीन के मालूम करने। तो मेरे पास रेशियो कितना है मेरे बच्चों, आपके पास रेशियो है 2:1 का। रेशियो कितना है 2:1 का है, मैं लिख देता हूँ नीचे, मेरे पास है रेशियो 2:1 का। ओके तो मुझे ऑलरेडी पता है आयोडीन के मालूम करने, तो यहाँ पे एक्स लगा देंगे, और मुझे ऑलरेडी पता है 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो अब मेरे पास इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1.44 10 की पावर माइनस 3। अच्छा बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बेसिकली एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आ रही है 7.20 इंटू 10 की पावर माइनस 4। फिर भी करेक्शन देख कर लेता हूँ, 1.44 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। यस 1.44 एक्सपोनेंशियल -3 है, इसको मैं डिवाइड कर दूँ 2 से, 7.20 10 की पावर माइनस 4। डन मेरा बच्चा। नेक्स्ट बोल रहे हैं मैंने निकाल लिए आयोडीन के मोल्स, अब मुझसे बोल रहे हैं कि आयोडीन के मोल्स को यूज़ करते हुए आपने मोल्स निकालने हैं। गौर से देखिएगा, जो चीज़ मुझे पता है जो चीज़ मालूम करनी है, मुझसे कह रहे हैं इस पार्ट के अंदर कि आपने कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl के कितने मोल्स, सॉरी कैलकुलेट करने हैं HCl के मोल्स रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्सेस ऑफ आयोडाइड टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ आयोडीन कैलकुलेटेड इन पार्ट 3।
पार्ट थ्री में जो आयोडीन कैलकुलेट किया है इसकी बेस पे हमारे पास हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है HCl के, ठीक है। तो आओ ज़रा चेक करते हैं, क्या पता है क्या मालूम करना है मुझसे। मुझे पार्ट थ्री के अंदर बच्चों, पार्ट थ्री के अंदर नंबर ऑफ मोल्स पता है आयोडीन के, ये रहा 3। और अब मुझे मालूम करना है HCl के मोल्स, HCl मतलब H पॉजिटिव आयन। तो दोनों को हाईलाइट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो मेरे पास रेशो है बच्चों, 6 × 3 का। आयोडीन के मोल्स ऊपर निकाल चुका हूँ, एच पॉजिटिव आयन के मोल्स मालूम करने हैं, तो ये रेशियो की साइन यहीं पे रहेगी इस तरीके से। और ओके, तो आयोडीन के मोल्स मुझे पता है 7.20, 10⁻⁴। तो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, मेरे पास वाली आ रही है 1.44 × 10⁻⁴। ओके, मेरे पास HCl के मोल्स निकल आए। HCl के मोल्स निकल आए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मुझसे बोल रहा है कि यार आपने कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है किसकी, कैलकुलेट दी कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HCl इन FA1। बच्चों FA1 के अंदर HCl की कॉन्सेंट्रेशन निकालो। तो सबसे पहले चेक करते हैं FA1 लिया कितना था बेटा तुमने। मैंने कहा था हाईलाइट कर लेना बच्चों, ये रहा कॉनिकल फ्लास्क में FA1 आपने लिया था 25 cm³। तो बेसिकली ये जो मोल्स मुझे पता चले हैं HCl के, ये वाले जो मोल्स मुझे पता चले हैं HCl के, ये हैं 25 cm³ के मोल्स हैं, क्योंकि HCl आपने कहाँ ट्रांसफ़र किया था, कॉनिकल फ्लास्क में, और कॉनिकल फ्लास्क में H पॉजिटिव आयन C कितना है, 25 cm³। डन, ये रहा, ये रहा। ओके चलो भाई HCl के मोल्स कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन के लिए फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, C इज इक्वल टू N ओवर V डिवाइड बाय 1000। तो बच्चों मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन बैक साइड पे गिवन है 1.44। टेन की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइड बाय 1000। ओके तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.33 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 25 5 पॉइंट, मेरे पास वैल्यू आ रही है बच्चों 5.76। बच्चों आपके पास आंसर शुड बी कैलकुलेटेड वैल्यू शुड बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कम से कम भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मेरे पास आ रही है 1, 2, -2, 10⁻²। ओके तो हम लोग ने ये कर लिया सॉल्व। चलो जल्दी से हम लोग डी पार्ट को करते हैं। डी पार्ट के अंदर मुझसे कह रहे हैं कि ईच रीडिंग विद अ ब्यूरेट हैज़ अ मैक्सिमम एरर 0.05। मतलब ब्यूरेट से कोई एक वॉल्यूम मैं रिलीज़ करता हूँ, एक वॉल्यूम से मतलब क्या है सर, आप वो भी एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। एक वॉल्यूम से मतलब है मेरे बच्चों कि मैंने अगर इनिशियल वॉल्यूम नोट किया था, इनिशियल वॉल्यूम, तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम, कितना एरर था, 0.00। मैंने जो फाइनल वॉल्यूम नोट करूँगा बेटा, उसके अंदर भी कितना वॉल्यूम, कितना एरर होगा, 0.05 का। मतलब ब्यूरेट से जो एक दफ़ा मैं रीडिंग नोट करता हूँ, वॉल्यूम नोट करता हूँ, उसमें एरर होगा मेरे पास 0.05 का। इसको मिटा दूँ वरना आप लोग समझोगे कि ये इनिशियल का वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम का एरर है, ऐसा नहीं है। ईच रीडिंग, जब उसने मेंशन कर दिया कि भाई ये हर रीडिंग में
विद अ ब्यूरेट, ब्यूरेट की हर रीडिंग के अंदर कितना एरर होता है, हर वॉल्यूम को नोट करते हुए कितना एरर होता है, इनिशियल और यहाँ पे फाइनल 0.05, ठीक है। फिर मुझसे बोल रहे हैं क्या ग्रेड बी, ग्रेड बी वॉल्यूमेट्रिक, ओके ओके, ग्रेड बी वॉल्यूमेट्रिक बल्ब, ठीक है। पाइपेट्स या फिर पिपेट्स आर कैलिब्रेटेड 0.06। यार वो जो आपके पास पिपेट है जिसमें बीच में बल्ब होता है, तो वो बल्ब वाली जो पिपेट है उसके अंदर एरर है 0.06 का, बस जो एरर इन्होंने मुझे मेंशन कर दिया मैं उसी को लेके चलूँगा, प्लस माइनस का 0.06। आगे बढ़ते हैं, मुझसे बोल रहे हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम एरर इन द वॉल्यूम रन फ्रॉम द ब्यूरेट रिकॉर्डेड इन एनी टाइट्रेशन। कैलकुलेट द मैक्सिमम एरर, ओके, कैलकुलेट द मैक्सिमम एरर इन द वॉल्यूम रन फ्रॉम द ब्यूरेट रिकॉर्डेड इन एनी टाइट्रेशन। द मैक्सिमम एरर इज, ओके बच्चों ये वाला पार्ट भी सॉल्व कराता हूँ तुम्हें, रन फ्रॉम द पेरेंट रिकॉर्डेड इन एनी टाइट्रेशन। ओके बच्चों सबसे पहले मैं तुम्हें जरा बी एट सेकेंड पार्ट सॉल्व कराऊँ, फिर उसके बाद दोबारा मैं उस पर आता हूँ फर्स्ट वाले पे, सेकेंड वाला करते हैं। एक्सप्रेस द मैक्सिमम एरर इन द वॉल्यूम रन फ्रॉम द पीरियड, ओके बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मुझसे कह रहे हैं कि कहाँ क्या, मैक्सिमम एरर इन द वॉल्यूम रन फ्रॉम द पीरियड रिकॉर्डेड इन एनी टाइट्रेशन। बच्चों देखो एक दफ़ा जो टाइट्रेशन की मैं रीडिंग नोट कर रहा हूँ, एक दफ़ा कंप्लीट रीडिंग नोट कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड इन एनी टाइट्रेशन, टाइट्रेशन देखो रन फ्रॉम द ब्यूरेट से मतलब है कि इनिशियल भी होगा फाइनल भी होगा, रन फ्रॉम द ब्यूरेट मतलब जो निकल चुका है, ओके तो उसमें कितना एरर होगा बेटा, देखो मैं अगर बात करूँगा रन फ्रॉम द ब्यूरेट मतलब सर इनिशियल में कितना एरर था, सॉरी आप वॉल्यूम यूज कैसे निकालते हो सर, हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो हमारे पास आता है वॉल्यूम यूज्ड या फिर टाइटल वैल्यू। तो बच्चों ब्यूरेट से एक दफ़ा जब रीडिंग लेता हूँ उसमें कितना एरर होता है 0.05 का, इसमें भी कितना होगा 0.05, बेटा वॉल्यूम यूज्ड में कितना होगा, वो क्या कह रहा है गौर से देखो, रन फ्रॉम द ब्यूरेट बेटा जो ब्यूरेट से वॉल्यूम निकल गया इसका मतलब है कि पहले इनिशियल होगा फिर फाइनल होगा, उन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम यूज्ड आ जाएगा, ओके तो बच्चों वॉल्यूम यूज्ड के अंदर कितना एरर होगा सर, 2 times एरर होगा, 2 times एरर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 0.10। मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है इज 0.10 cm³। फिर आते हैं पार्ट टू पे, मुझसे कह रहे हैं कि बेटा एक्सप्रेस द मैक्सिमम एरर कैलकुलेटेड इन पार्ट वन, ठीक है, इस एरर को यूज़ करते हुए एज अ परसेंटेज एरर फॉर द वॉल्यूम इन पार्ट बी। बच्चों आपने जो पार्ट बी के अंदर वॉल्यूम लिया है, पार्ट बी के अंदर उसके अंदर मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालो, पार्ट बी का पहले वॉल्यूम तो चेक करो, पार्ट बी तो सर ये रहा मेरे पास, पार्ट बी ये रहा कितना 23.80, तो 23.80 इसके लिए वर्किंग क्या होगी, हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास परसेंटेज एरर का, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है मेरे पास एरर डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू
मल्टीप्लाई बाय 100। ओके तो एरर हमारे पास कितना है, मुझसे बोल रहे हैं एक्सप्रेस द मैक्सिमम एरर कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एरर ये है। बेटा मैं ये लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एरर हम लोग क्या कर रहे हैं, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू कितनी है मेरा बच्चा, हम लोग ने बी पार्ट में, बी पार्ट के अंदर एरर एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, ये रही 23.85 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज की साइन। तो बच्चों हम लोग कर लेंगे इसको 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो तो आपके पास वही आ जाएगा 0.10 डिवाइड बाय 23.85, जो भी आपके पास आया उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी परसेंटेज 0.42%। मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, 0.42%। इसको राउंड ऑफ कर दिया, 4.419 आ रहा था तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया 0.42%। हमारे पास परसेंटेज एरर है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। कैलकुलेट दी मैक्सिमम परसेंटेज एरर व्हेन FA1 25 cm³ तुमने पिपेट से लेके कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र किया। ओके सर मसला ही नहीं, परसेंटेज नहीं एरर वॉस परसेंटेज एरर, ठीक है मुझसे बोले परसेंटेज एरर निकालो किसका, पिपेट का, कितने वॉल्यूम का, 25 cm³ का। तो फार्मूला तो आप सबको पता है बेटा, ये रहा फार्मूला परसेंटेज एरर का। तो एरर कितना गिवन है पिपेट का, ये रहा बेटा 0.05 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके तो 0.05 ओहो नहीं नहीं नहीं, आप कहोगे सर आप एक मिस्टेक कर गए, आप सर अदील आप एक मिस्टेक कर गए, 0.05 नहीं सर, पिपेट का एरर कितना था बच्चों, 0.06। तो आई डिड अ मिस्टेक, 0.06 डिवाइड बाय 25, लेट मी कैलकुलेट, 2.4% एक मिनट रुक जाओ बच्चों, आपके पास टोटल वैल्यू आ रही है 0.24%। आप लोग भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मेरे पास आ रही है 0.24%। आई होप आप लोगों को आइडोमेट्रिक ट्रेडिशन का स्टार्टिंग का प्रोसेस, रीडिंग्स मैंने नोट की और फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन नोट किए हैं कैलकुलेट किए हैं और जो एरर्स हम लोग ने किए हैं, आई होप आप लोगों को बात समझ में आई हो। तो अगर किसी को किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बेटे। ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।